आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 262वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महंगी दवाओं के सामने लाचार है आम भारतीय, जेनेरिक दवाओं को लिखने से परहेज ही करते हैं देश के चिकित्सक। लिमटी की लालटेन के 262वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। कहा जाता है कि देश का आम इंसान, आम आदमी जो है वो अपनी जो कमाई करता है वो दो चीजों में सबसे ज्यादा खर्च होती है। पहली चीज तो यह है कि वो स्वास्थ्य पर चिकित्सा के दौरान खर्च करता है, दूसरा बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर। और उसके बाद जो खर्च जो बचता है उसके पास, वो खाने और अन्य चीजों में उसका उपयोग करने की सोचता है। देखा जाए तो भारत उन देशों की फहरिस्त में काफी ऊपर है, ऊपरी पायदान पर है, जहां स्वास्थ्य पर अपेक्षाकृत अधिक, स्वास्थ्य अर्थात इलाज पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च किया जाता है। भारत सरकार सहित अनेक राज्यों के द्वारा आयुष्मान भारत सहित अनेक कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी को राहत तो दे रही हैं, किंतु ये राहत नाकाफी ही मानी जा सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों का सबसे बड़ा खर्च दवाओं पर होता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक रिपोर्ट पर अगर आप नजर डालें, स्वास्थ्य परिवार कल्याण की रिपोर्ट पर अगर आप नजर डालेंगे तो इसमें केंद्र और सूबाई सरकारों को यह मशवरा दिया गया है कि दवा और पैथोलॉजी सहित अन्य जांच के बाजार पर नियमन होना चाहिए, इस पर अंकुश लगना चाहिए। कहा जाता है कि अनेक बार चिकित्सकों के द्वारा रोगियों को बहुत सारी और महंगी ब्रांडेड दवाएं लिख दी जाती हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं मानी जा सकती है। ब्रांडेड दवाओं के बजाय जेनेरिक दवाएं लिखने के निर्देश मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिए गए। एक तरफ तो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अर्थात मेडिकल कॉलेज में अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों को ये बताया जाता है कि उन्हें बहुत महंगी दवाई न लिखकर जो तर्कपूर्ण दवाई है, जो वास्तव में लॉजिकल मेडिसिन है, वही लिखी जाए, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। पर जैसे ही वो विद्यार्थी चिकित्सक बनकर मरीजों का इलाज करता है, उपचार करता है, उस समय वो इन सारी बातों को भूल जाता है। आपने देखा होगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स किस तरह डॉक्टर को घेर कर बैठे होते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि के तहत देश भर में अनेक दुकानें खोली गई हैं। इन दुकानों पर जेनरिक दवाएं मिलती हैं। लगभग एक दशक पूरा नहीं हुआ, फिर भी लगभग एक दशक से ये योजना प्रचलन में है। इस योजना के तहत खुली दुकानों और अन्य मेडिकल स्टोर्स की बिक्री, जो जेनरिक दवाएं जहां मिलती हैं और अन्य मेडिकल स्टोर्स, दोनों की सालाना बिक्री या मासिक बिक्री की तुलना अगर की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। जेनरिक दवाएं जहां मिलती हैं वहां उनकी अपेक्षा अन्य मेडिकल स्टोर्स की बिक्री में कई गुना, यहां तक कि 100 गुना का अंतर भी आपको मिल सकता है। कोविड के दौरान भी मेडिकल स्टोर्स पर बिकने वाली दवाएं और जेनरिक स्टोर्स पर बिकने वाली दवाओं का आप अगर वो करेंगे तो आपको 500 गुना तक का अंतर मिलेगा। जेनरिक दवाएं जहां मिलती हैं वहां बहुत कम बिक्री हुई। अमृत योजना केंद्र सरकार की योजना, अमृत योजना के तहत सस्ती दवा और उपचार की कवायद जरूर की गई है, पर इस योजना का लाभ कितने फीसदी मरीजों को मिल पा रहा है इसका आकलन भी, ऑडिट भी जरूरी है। कितने जिलों में इस तरह की कितनी दुकानें हैं जहां सस्ती और जेनरिक दवाएं मिल रही हैं और उनकी सालाना बिक्री के आंकड़े जुटाने की जरूरत है केंद्र सरकार को, सूबाई सरकारों को, यहां तक कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के द्वारा लिखी जाने वाली दवाएं जेनरिक होती है अथवा ब्रांडेड, इसका भी ऑडिट कराया जाना जरूरी है। ये भी बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 70% से ज्यादा मरीज निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं पर ही पूरी तरह निर्भर है।
निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं लेने पर वे बहुत मजबूर हैं। यह बात सभी जानते हैं कि छोटे और मझोले जिलों, छोटे और मीडियम दर्जे के जिले हैं, उन जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं नाकाफी हैं। यही कारण है कि बड़े जिले संस्कारधानी या प्रदेशों की राजधानी की ओर मरीज रुख करते हैं। गांव अथवा छोटे जिले में संसाधनों की कमी किसी से छिपी नहीं है। यही कारण है कि लोग बड़े शहरों में जाकर इलाज कराने पर मजबूर हो जाते हैं। बड़े शहरों में जांच और अन्य शुल्क के नाम पर मरीजों के परिजनों की जेब तराशी होती है, जेब घटी जाती है, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होती। बड़े शहरों में आने जाने का किराया, आप गांव से या शहर से जाते हैं तो आने जाने का किराया, वहां रुकना, खाना पीना, जांच टेस्ट जितने कराए जाते हैं, उसके अलावा दवाओं का खर्च मरीजों के परिजनों पर बहुत भारी पड़ता है। केंद्र सरकार के द्वारा आने वाले समय में हर जिले में एक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अर्थात मेडिकल कॉलेज खोलने की स्थापना को लेकर का लक्ष्य लेकर काम किया जा रहा है। हर जिले में कुछ सालों बाद एक मेडिकल कॉलेज होगा, किंतु देश भर में मेडिकल कॉलेज आरंभ कराने की बजाय जगह जगह मेडिकल कॉलेज भवन बिल्डिंगें जरूर तैयार कराई जा रही हैं। बिल्डिंगों को बनाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है, ये क्यों, ये आप और हम सब जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर निजी तौर पर जो मेडिकल कॉलेज खुलते हैं वे सबसे पहले पढ़ाई आरंभ कराते हैं, भवन निर्माण 2-4-5 साल के बाद कराते हैं। ये किस लिए किया जाता है, ये बात सभी बेहतर जानते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र में वे चाहते हैं जल्दी से जल्दी उन्हें फीस मिलना आरंभ हो और पढ़ाई आरंभ हो। सरकारी स्तर पर पहले भवन बनाया जाता है, पढ़ाई लिखाई बाद। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के स्वास्थ्य को लेकर होने वाले खर्च का सबसे बड़ा भाग दवाओं का होता है। नीति आयोग की बात कर लें, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर लें, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस की रिपोर्ट के अनुसार हर साल प्रति मरीज चिकित्सकों की फीस से कई गुना ज्यादा दवाओं और उनकी जांच जो टेस्ट होती है उस पर खर्च होता है। कहा जाता है कि आमतौर पर लोग अस्पताल में भर्ती रहकर जितना खर्च करते हैं उससे ज्यादा खर्च तो वे इलाज के दौरान उनका हो जाता है। एक अध्ययन में ये बात सामने आई कि सरकारी अस्पताल में अगर आप इलाज करते हैं बिना भर्ती हुए, सरकारी अस्पताल में अगर आप इलाज कराते हैं बिना भर्ती हुए, तो उसमें होने वाला खर्च की तुलना में निजी अस्पताल में आप अगर जाकर बिना भर्ती हुए इलाज कराते हैं तो 20% ज्यादा आपको पैसा लगता है। इसका सीधा तात्पर्य है कि सरकारी अस्पताल में अगर आप पर्ची आदि बनवाने से लेकर अन्य खर्च में 500 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो निजी अस्पताल में अगर कहीं जाएंगे, आप बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, नागपुर, जबलपुर, भोपाल, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, ऐसे शहरों में अगर जाएंगे तो 500 रुपए सरकारी अस्पताल में अगर आप खर्च करते हैं तो यहाँ आपके 10,000 रुपए खर्च होंगे। अगर आप सरकारी अस्पताल में भर्ती रहकर अपना इलाज कराते हैं और 1,000 रुपए आपका खर्च आता है, और निजी अस्पताल में अगर आप भर्ती होते हैं तो इसमें जो अनुपात आता है 30 गुना ज्यादा आपको लगता है। अर्थात प्राइवेट सरकारी अस्पताल में अगर आप 1,000 रुपए में अपना इलाज कराते हैं भर्ती रहकर, तो प्राइवेट अस्पताल में कम से कम 30,000 रुपए आपके लगेंगे। सरकारी अस्पतालों में तो अब इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि अगर आप किसी का प्रसव कराने जाते हैं, डिलीवरी कराने जाते हैं, तो वहां पर 20,000 रुपए से 1,00,000 से अधिक, 20,000 से 1,00,000 रुपए के बीच में अघोषित तौर पर आपसे लिया जाता है, जिसकी कोई रसीद नहीं दी जाती, रिश्वत के बतौर लिया जाता है। आपको बेहोश करने वाले, जो ऑपरेशन करने वाले, सब इसमें शामिल है। वहीं आप अगर निजी अस्पतालों में, इससे आपको 10% राशि ज्यादा देनी पड़ती पर घोषित तौर पर, जिसकी आपको रसीद मिलती है। आज मरीज का इलाज धन वसूली का साधन मान लिया गया है, जो अनुचित ही माना जा सकता है। निजी तौर पर चिकित्सालयों के संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, पर यह धन का संग्रह एक सीमा के अंदर होना चाहिए। यही कारण है कि इसका नियमन होने की बात लगातार ही सामने आ रही है, और अनेक रिपोर्ट्स में इस ओर इशारा भी किया गया है कि इसका नियमन कराया जाए। जिस तरह वाहनों का बीमा हर साल होता है,
उसी तरह देश में प्रति व्यक्ति अगर कुछ शुल्क निर्धारित कर दिया जाए, वो शुल्क हर साल एक नियत महीने की नियत तारीख को हर व्यक्ति को देना है, और उसके बाद देश के मेडिकल स्टोर्स और निजी अस्पतालों के बजाय सरकारी अस्पताल पर मैं उसे इलाज की सुविधा उसी शुल्क पर जो उसने 200-400 जो भी शुल्क एक निर्धारित करे, हर साल उतने पैसे अगर आप जमा करते हैं आपको सरकारी स्तर पर चिकित्सा भी निःशुल्क मिलेगी, दवाएं भी निःशुल्क मिलेंगी, कोई मेडिकल स्टोर नहीं, कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं। ये व्यवस्था अनेक देशों में इस तरीके की व्यवस्था है जहां पर निजी तौर पर ना तो कोई मेडिकल स्टोर है, ना ही कोई अस्पताल, और ना ही कोई चिकित्सक सशुल्क पैसा लेकर फीस लेकर आपको देखकर दवाएं लिख सकता है। इसलिए देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में समरसता बनाने, एक रूपता लाने और स्वास्थ्य सुविधाओं को पटरी पर लाने के लिए इस तरीके की कवायद सरकार को करना बहुत जरूरी है। लिमटी की लालटेन के 262वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही है, आप इसे देखना चाहते हैं, तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना दोपहर 2 बजे, शनिवार एवं रविवार को सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट, अन्य मनोरंजक जानकारियां आदि पसंद आ रहे हो, मौसम के अपडेट पसंद आ रहे हो, तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। लिमटी की लालटेन के 262वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 263वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।